अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्स हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हकीम खान। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और इसको खाने से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं, ये सब चीज़ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि विटामिन सी प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इसके अंदर, जो कि आपकी हड्डियों, मांसपेशियों और रक्त वाहिकाओं को जो दुरुस्त करता है। इसके अलावा ये शरीर में आयरन के अवशोषण में बहुत ज़्यादा मदद करता है और जो कोलेज होता है उसको बनने में सहायता करता है। तो विटामिन सी के फायदे अब हम बात करेंगे। तो पहला जो सबसे बड़ा फायदा है विटामिन सी का, कि वो है स्किन से रिलेटेड। विटामिन सी के कारण जो रक्त वाहिकाएं होती है उनकी संरचना होती है और रक्त वाहिकाओं द्वारा अपनी त्वचा का जो प्रोटीन होती है हमारे अंदर, उनका आसानी से पहुँचाया जा सकता है उनके अंदर प्रोटीन को। तो यानी काफ़ी इम्पोर्टेंट हुई जो है विटामिन सी हमारे शरीर के लिए, ख़ास तौर पर स्किन के लिए। इसके अलावा त्वचा को नमी देने के लिए भी जो है विटामिन सी का इस्तेमाल किया जाता है। इससे क्या होता है कि आपकी जो त्वचा है वो काफ़ी नमी हो जाए, उसके अंदर जो है नमी आ जाती है और सूखी सूखी त्वचा होने से आपकी बच जाती है। तीसरा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी विटामिन सी का इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा भी होगा जब कोरोना चल रहा था, डॉक्टर आपको विटामिन सी की टेबलेट खाने के लिए बोल रहे थे। चौथा जो फ़ायदा है दोस्तों, वो है सूरज की किरणों से रक्षा करता है। जो आजकल वातावरण है जिसका प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, इससे हमारे जो क्या है कि स्किन खास तौर पर ख़राब हो जाती है। तो विटामिन सी अगर आप प्रचुर मात्रा में ले रहे होंगे तो वो आपकी स्किन को जो है सूरज से भी बचाएगा और वातावरण से भी बचाता है। इसके अलावा जो हड्डियां होती है उसके लिए भी विटामिन सी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उनकी हड्डियों की मजबूती के लिए। क्योंकि हड्डियां अगर आपकी मजबूत नहीं होगी तो आपका पूरा शरीर जो है कमज़ोर होगा और फिर आपकी जो है कहीं पर भी छोटे मोटे गिरने पर या फिर उछल कूदने पर आपकी हड्डियाँ टूट जाती है, क्योंकि वो कमज़ोर होती है। तो विटामिन सी उनके लिए भी बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। इसके अलावा बढ़ती उम्र में जो है विटामिन सी बहुत बेहतरीन चीज़ होती है, क्योंकि इससे क्या होता है कि त्वचा जो है सूखने लगती है जब उम्र बढ़ जाती है। तो उस केस में भी जो है विटामिन सी जो है टेबलेट जो है रिकमेंड की जाती है बुज़ुर्गों के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो है मसूड़े में अगर आपके खून आता है, ख़ास तौर पर खून आने के लिए, जैसे कि कभी कभी मसूड़े से खून आता है, तो उसके लिए विटामिन सी की मात्रा अगर वो बंदा लेता है तो वो काफ़ी अच्छा जो है महसूस करता है और उसका खून आना कुछ ही दिनों के अंदर बंद हो जाता है। इसके अलावा उन लोगों के लिए भी एक और प्रॉब्लम अगर है आपको ब्लड प्रेशर की, अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो उस केस में भी आप विटामिन सी लें, जिससे कि आपका रक्तचाप जो ज़्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, वो आपका नॉर्मल हो जाता है। अब मैं बात करूँगा कि ये आपको विटामिन सी किन किन फ्रूट्स में मिलेगी, किन किन सब्जियों में मिलेगी, तो उस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि कुछ आपको फ्रूट में बता देता हूँ जहाँ से आप विटामिन सी गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो जो है दोस्तों आपको पता ही होगा, संतरा जो होता है वो विटामिन सी का एक बहुत ही बेहतरीन सोर्स होता है और आपको संतरे खाने चाहिए। क्योंकि आप जो है अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो रही है आपके अंदर, तो संतरे आप जितने ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर है, दवाई आप जो है छोड़ दें। इसके अलावा नींबू का इस्तेमाल कीजिए जितना हो सकता है। इसके अलावा सरसों का साग इस्तेमाल कीजिए, उसमें भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने के मिलेंगे। इसके अलावा एक कीवी फ्रूट आता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर भी जो है विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है। इसके अलावा एक जो बोनस पॉइंट बता देता हूँ कि अमरूद अगर आप खाते हैं तो भी आपके अंदर विटामिन सी की मात्रा की कमी नहीं होगी। तो ये कुछ थी डिटेल जो कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।